हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेकंड अपील। सेकंड अपील कौन से होती है? देखिए, सिविल केसेस में एक अपील होती है, फर्स्ट अपील, एक होती है सेकंड अपील। देखिए, सेकंड अपील को डील करता है सेक्शन 100 SCPC का, जो कि वो कहता है कि फाइल होती है अंग्रेज डिग्री बाय द डिस्ट्रिक्ट जज इज कॉल्ड रेगुलर सेकंड अपील। यानी रेगुलर सेकंड अपील वो होती है जो किसी डिस्ट्रिक्ट जज की जो फैसले के खिलाफ अपील की जाती है। हमने सिविल जज में केस फाइल हुआ हमारा, और उसके बाद हमने अपील की डिस्ट्रिक्ट जज के पास, वो हमारी पहली अपील थी, और उसके बाद हम उसके खिलाफ रेगुलर सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हैं सेक्शन 100 के तहत। अब या तो वो अपील जो थी आइदर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील थी और वो रिजेक्ट हो गई पहली अपील, या फिर एक्सेप्ट हो गई, तो और उसके अलावा हम उसके खिलाफ जो है सेकंड अपील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी रूल 137 और आर्टिकल 47 CPC के तहत। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है डिसीजन इज कंट्रेरी, किस बेस पर हम कंपिटेंट किस सूरत में हो गए। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड अपील किस तरीके से एनेबल है, किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं, उसकी कंपिटेंसी क्या है। पहली बात तो ये है कि डिसीजन कंट्रेरी हो टू द लॉ या यूजेज ऑफ फोर्स ऑफ द लॉ, या फिर ऐसा फेयर ट्रायल ना हुआ हो, डिटरमाइन सही तरीके से मेटीरियल इश्यूज जो है वो डिटरमाइन नहीं हुए, वो मिस यूज ऑफ द लॉ हो और फिर यूजेज ऑफ द फोर्स ऑफ द लॉ हो, तो उस सूरत में हम सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर सबस्टेंशियल एरर हो उस फर्स्ट अपील की जजमेंट डिग्री में, या फिर कोई डिफेक्ट हो लीगली तौर पर, तो उस सूरत में हम सेकंड अपील में जा सकते हैं। या फिर उस सूरत में कि प्रोसीजर जो प्रॉपर लॉ का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया फर्स्ट अपील में, तो उस सूरत में हम उसकी सेकंड अपील कर सकते हैं। अब दो फोल्ड की कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट को आप दूसरी ऑफ कोर्स दूसरी अपील में चैलेंज कर सकते हैं। यानी एक पहले ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट बाद फर्स्ट अपील हुई थी, फर्स्ट अपील इन दोनों का फैसला को आप चैलेंज कर सकते हैं किसमें, सेकंड अपील में। उस सूरत में आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं जबकि बेस हो इरोनियस इन व्यू ऑफ एडमिजेबिलिटी पर, और इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट सफर हो मिस रीडिंग पर, पिछली कोर्ट ने सही तरीके से उसको रीड नहीं किया, इश्यूज फ्रेम नहीं किए, नॉन रीडिंग किया एविडेंस को, तो उस सूरत में आपका राइट बनता है कि आप रेगुलर सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके और हाँ, इसके अलावा ये भी बता दें, ये अपील फाइल होगी हाई कोर्ट में होगी। अगर ऑफ कोर्स हम डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ हम की फर्स्ट अपील उसने सुनी थी, तो सेकंड अपील हमारे पास ऑप्शन है कि हम हाई कोर्ट में सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाजत दें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।